दो चीजें हो गई। इस मास्क को व्हाइट मास्क आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये उतना ही व्हाइट हमें रिजल्ट देगा। अब हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप लोग अच्छे से दिखा देते हैं, ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा ताकि आप लोग को किसी किस्म की कोई टेंशन न रहे कि क्या चीज ऐड की क्या नहीं। अब इसमें एक चम्मच में मिलाऊंगी हाइड्रोजन का, क्योंकि मैं हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ और टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगी। और अगर आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप टीस्पून का चौथा हिस्सा शामिल करेंगे, उससे भी आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा मैं भी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि हाथों पे अप्लाई करने के लिए सूरत हाल कुछ और है, चेहरे की स्किन सेंसिटिव होती है, लेकिन एक चौथाई हिस्सा आप उसमें भी मिला सकती हैं। इन दोनों चीजों को, तीनों चीजों को मिलाने के बाद आप देखेंगे थोड़ा इस तरह से कि इसको पेस्ट की शक्ल में लाना मुश्किल है, अप्लाई करना मुश्किल है। अब इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे नारियल का तेल, सिर्फ चांद कतरे, 5-6 ड्रॉप, सिर्फ 5-6 ड्रॉप। इतना निकल ही नहीं रहा ऑयल ठंड की वजह से फ्रीज हो चुका है, तो अब ऐसे नहीं निकलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसको ओपन करके देखेंगे अच्छी तरह से फ्रीज हो चुका है क्योंकि हमारे यहाँ वाकई बहुत ठंड पड़ रही है। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा ले लूंगी, इसी तरह से किसी तरीके से निकाल लेते हैं इसको। आप गर्म पानी में रख के भी निकाल सकते हैं। 5-6 ड्रॉप्स ये देखें स्पून में है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद क्या होगा कि हमने इसे अप्लाई करना है। सिर्फ हाइड्रोजन की पाबंदी है, अगर चेहरे पर अप्लाई कर रही है तो आप एक टीस्पून का चौथा हिस्सा लेंगे। ये देखें, डेमो इसलिए करके दिखा रही हूँ, ये अप्लाई करना मुश्किल है, ये आपके हाथ से गिर जाएगा, अच्छे से पेस्ट की तरह अप्लाई नहीं करेंगे होगा। तो अब इसको पेस्ट की शक्ल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई गेस करेगा जी? हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, आधा टीस्पून, और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपने फाइनली इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। चेहरे पर अप्लाई करने के लिए एक चौथाई हाइड्रोजन परऑक्साइड टीस्पून, एक चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा, उससे भी आपको इतनी व्हाइटनिंग मिलेगी। आपने परेशान नहीं होना, हाथों की स्किन थोड़ी हार्ड होती है इसलिए हम उसमें ज्यादा मिला रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अच्छा, ये हम इसे अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने चेहरे पर अप्लाई करना। देखिए अप्लाई करना कितना आसान हो गया, फाइनली मैंने अपने हैंड पे इसे अप्लाई कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कितने देर के लिए छोड़ूंगी, 30 मिनट के लिए। अगर आपने चेहरे पर अप्लाई किया है तो आप इसे 20 मिनट देंगे, ओनली 20 मिनट्स। ठीक हो गया जी, 20 मिनट के बाद अब क्या होगा कि ये ड्राई होगा या नहीं होगा, हमने इसको वॉश कर देना है। वॉश करने से पहले भी एक स्टेप है, जैसा कि ये देखिए 30 मिनट के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये काफी थिक मैंने अप्लाई किया था, ये ऑयल हाथ के ऊपर आया हुआ है, तो ये जरूरी है। इससे चूंकि जितनी सर्दी पड़ रही है उससे आपके हाथ ड्राई नहीं होंगे और नारियल के तेल से बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग आती है। अच्छा जी, अब जो आपके पास कच्चा दूध है उसे आपने अपने चेहरे पर या अपने हाथ उस दूध से थोड़े व्हाइट करने, गीले करने, और स्लोली स्लोली यानी आहिस्ता आहिस्ता गोलाई में अपने चेहरे पर मसाज करने, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरह से करने के बाद फाइनली हम इसको वॉश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये रिजल्ट आपको यही नजर आ चुका है। दोनों हाथों में कितना विजिबल डिफरेंस है कि आप लोग आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हम आपको हर तरह से वॉश करके दिखाएंगे। ये आपको रिजल्ट नजर आ गया, अब मैं वॉश करने के फौरन बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ जो कि आपके सामने है। और ये बहुत जबरदस्त व्हाइटनिंग है। टेंशन की बात इसलिए नहीं कि मैंने अपने हाथ पे आपको अप्लाई करके दिखाया, आपको 30 दिन तक इसको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की कोई एलर्जी वगैरह नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। चेहरे की जो एहतियात है हमने आपको बता दी है, आप इसे बेफिक्र होकर अप्लाई करें, देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है कि अंधों को भी नजर आ जाएगा कि मैंने थोड़ा डायलॉग मारा है। इसका बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट नजर आ रहा है,
शुरू में स्टार्ट में भी आपने मेरे हैंड देखे होंगे, बल्कि लेफ्ट वाले को ज्यादा गौर से देखा होगा, वो भी इतना क्लियर नहीं था। तो ये रिजल्ट आप लोगों को अच्छे से हमने दिखा दिया है और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक किया होगा और लाइक कर भी दिया होगा। तो सब्सक्राइब का मैंने आप लोग को इसलिए नहीं कहा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा बिजी थी, तो लास्ट पे आप लोगों को रिजल्ट दिखाने के बाद तो सब्सक्राइब का कहना बनता है ना। तो वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि सब तक ये टिप पहुंच सके। आपने खुद भी इसको अप्लाई करना है और फीडबैक देनी है मुझे कि आपको रिजल्ट कैसा मिला, और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। जो जो शेयर करेगा मुझे बताएगा भी कि हमने वीडियो को शेयर कर दिया, और लाइक करना भी नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे नजर आ रहा है, उसके साथ बेल के बटन को भी क्लिक करना है। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन नहीं, आज का लेसन बाकी है। आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच